हेलो दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी के नए लेक्चर देखना चाहते हो तो बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी से। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी का 3 लेक्चर तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लोनिंग टेक्निक स्टार्ट किया था। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। देखो, अगेन हेडिंग वॉज सेम, टूल्स एंड टेक्निक फॉर जीन क्लोनिंग। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पीसीआर डिस्कस किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी मैंने उसके बाद डिस्कस किया था। तो अगर आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ फिर से रिवाइज करना है तो ये आई बटन पे क्लिक कीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, सो बेसिकली वेक्टर क्या है? वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट। मतलब वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल ही है, लेकिन वो क्या कर कैरी कर रहा है? फॉरेन डीएनए सेगमेंट कैरी कर रहा है और होस्ट सेल के अंदर जाके रेप्लीकेट कर रहा है। अभी ये समझने के लिए, जो वेक्टर का कंसेप्ट समझने के लिए, अपने को फिर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, बाजू में एक डायग्राम है। ओके, तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है ये प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड को मैंने बाहर निकाला, उसको कट किया। किससे कट करना चाहिए आपको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद आपको ये जो ग्रीन कलर का डीएनए है उसको बोलेंगे वेक्टर डीएनए, और ये कैरी कर रहा है फॉरेन डीएनए। अब ये फॉरेन डीएनए क्या है? जीन ऑफ योर इंटरेस्ट। ओके, तो ये फॉरेन डीएनए को बोलते हैं डोनर डीएनए। तो यहाँ पे देखो, ये डोनर सेल से ये डीएनए लिया गया है। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी जीन फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस, इट कैन बी जीन फॉर क्लीनिंग द टॉक्सिक वेस्ट, इट कैन बी जीन फॉर डिजोल्विंग द ब्लड क्लॉट। बराबर, ऐसे कोई भी जीन रह सकता है। तो ये जो वेक्टर है ग्रीन कलर का, मतलब प्लाज्मिड यहाँ पे वेक्टर है। ओके, और यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को मिक्स करना है, दोनों को ज्वाइन करना है लाइगेज एंजाइम यूज करके, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? जहां पे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखो, ये टेबल है। ओके, ये टेबल है, आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया है, लेकिन ऐसा टेबल नहीं दिया है, ये खास मैंने आपके लिए बनाया। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखो, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है और होस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो बहुत सारे ऐसे वेक्टर है जो फॉरेन डीएनए कैरी करते हैं। कौन कौन से वेक्टर है? ये है प्लाज्मिड, ये है बैक्टीरियोफैज, कॉस्मिड, फैजमिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बक्यूलो वायरस, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ये सब वेक्टर के नाम है, मतलब ये वेक्टर क्या कैरी करेंगे? फॉरेन डीएनए। तो ये प्लाज्मिड के देखो एग्जाम्पल है, PBR322, PUC, TI प्लाज्मिड। तो ये जो है PBR322, PUC जो है वेक्टर, वो किसके लिए यूज होते हैं? बैक्टीरिया के लिए। मतलब बैक्टीरिया क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म, वहां पे वो रेप्लीकेट करेंगे। ओके, बैक्टीरियोफैज, कॉस्मिड, फैजमिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी किधर ग्रो करेंगे? बैक्टीरिया के अंदर रेप्लीकेट करेंगे। ओके, मतलब ये जीन किधर कैरी कर रहे हैं? बैक्टीरिया, मतलब उसके लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, नाम से ही पता चलता है ये किधर रहेगा, YAC बोलते हैं उसको, ये कहां पे रहेगा? ईस्ट में। बक्यूलो वायरस है, ये वेक्टर किसके लिए काम करेगा? इंसेक्ट के लिए। और मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहाँ पे काम करेगा? मैमस। मतलब क्या है, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैं क्या करेगा, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इंसर्ट करेगा एंड देन मैमल में ग्रो करेगा या फिर उसको रेप्लीकेट करेगा। ओके, तो ये हुआ क्लोनिंग वेक्टर का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स है, तो आपके टेक्स्ट बुक में प्लाज्मिड उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है, तो हम लोग प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड में PBR322 का एग्जाम्पल लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, और बैक्टीरियोफैज भी है, लेकिन बैक्टीरियोफैज आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। मतलब प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है। अभी कोई भी क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए उसके पास कुछ तो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। विदाउट दीज प्रॉपर्टीज हम लोग वो वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर नहीं यूज कर सकते। तो देखो, ये प्रॉपर्टीज है,
तो ये मैं प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन किया है विद हेल्प ऑफ पीबीआर 322। तो यहाँ पे पहला है एबिलिटी टू रेप्लीकेट। तो यहाँ पे देखो ये पीबीआर 322 प्लाज्मिड है जो वेक्टर एज ए वेक्टर यूज होता है। उसके पास देखो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन मतलब क्या है, वो खुद का रेप्लीकेशन खुद करेगा। ओके तो प्लाज्मिड तो आपको पता है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, किधर है, बैक्टीरिया के अंदर रहता है अदर देन द क्रोमोसोम, बराबर कि नहीं। तो ये जो प्लाज्मिड है उसके पास क्या होना चाहिए, खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। तो एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड बन सके, दो से चार प्लाज्मिड बन सके, बराबर कि नहीं। तो ये रेप्लीकेट होना चाहिए, रेप्लीकेट मतलब डबलिंग होना चाहिए। ओके और वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया उसका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टीज देखो क्या है, हाई कॉपी नंबर। अभी कॉपी नंबर क्या रहता है, नंबर ऑफ प्लाज्मिड विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे देखो ये बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड्स है, दिख रहे हैं, मतलब जब भी उसका नंबर ज्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं हाई कॉपी और लार्ज कॉपी। यहाँ पे देखो कॉपी इज लो, ओनली थ्री प्लाज्मिड्स आर देयर, मतलब ओनली थ्री नंबर्स आर देयर। जब भी उसका नंबर ज्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं हाई कॉपी नंबर। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, प्लाज्मिड का कॉपी नंबर ज्यादा होना चाहिए, मतलब सेम टाइप ऑफ प्लाज्मिड का नंबर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ज्यादा रहना चाहिए। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है। थर्ड देखो क्या है, वॉट एवर दैट वेक्टर इज देयर, जो कुछ हम लोग वेक्टर यूज करेंगे वो इजीली हम लोग क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बैक्टीरियल सेल के अंदर इजीली इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो जब भी वो इजीली इंट्रोड्यूस होगा तभी जाके वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, रेप्लीकेट होगा। ओके तो ये हुआ अपना थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे डायग्राम रिफर करो, पीबीआर 322 के पास दो आपको जीन दिख रहा है, एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये है मार्कर जीन। अभी मार्कर जीन क्यों बोलने का उसको, ओके तो यहाँ पे देखो ये जीन तो है और जीन के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइड भी है। तो यहाँ पे देखो ये रेस्ट्रिक्शन साइड है किसके लिए, कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, PST1। यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, उसके अंदर भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइड है किसके लिए, BAM-H1 and SAL-1। अभी ये रेजिस्टेंट जीन का क्या यूज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो फॉरेन डीएनए है ये एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर इंसर्ट किया, तो एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट होगा कि नहीं। अगर एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हुआ तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जीन सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है, अगर नहीं हुआ तो एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एक्टिवेट रहेगा। मतलब ये मार्कर जीन है, मार्कर जीन मतलब जिससे आपको पता चलेगा अगर आपका जीन सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये हुआ, दैट इज रेजिस्टेंट जीन, मार्कर जीन। एंड ये पांचवा प्रॉपर्टीज देखो क्या है, मार्कर जीन के अंदर क्या होना चाहिए, शो यूनिक क्लीवेज साइट इन वन ऑफ द मार्कर जीन फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने के लिए उसके पास रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास प्रमोटर, ऑपरेटर, राइबोसोम बाइंडिंग साइट ये भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज जब भी प्रमोटर, ऑपरेटर, राइबोसोम बाइंडिंग साइट रहेगा तभी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, बराबर कि नहीं। अगर एमआरएनए हुआ मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन। तो ये सब चीजें, प्रमोटर, ऑपरेटर और राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये सब चीजें किसके लिए जरूरत है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने ऐड किया है वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। वो खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। मतलब अगर मैंने इंसुलिन का जीन डाला है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा बैक्टेरियल सेल के अंदर। ओके तो ये हुआ प्रॉपर्टीज। तो ये आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल देखो, कुछ कुछ क्लोनिंग वेक्टर का एग्जाम्पल उन्होंने मेंशन किया है, PBR 322, PBR 320, PACY, C177, PUC। तो ये है ना, नाम देने का उसके लिए भी एक पर्टिकुलर नॉमिनक्लेचर सिस्टम है। क्या नॉमिनक्लेचर सिस्टम है, देखो यहाँ पे देखो ये PBR है ना, तो लोअर केस P देखो लोअर केस में लिखा है, बराबर कि नहीं, दैट इज स्मॉल लेटर में है। तो P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। अपर केस क्या है, दैट इज बी एंड आर। बी आर इज आइदर साइंटिस्ट का नाम हो सकता है या फिर जहां पे वो कंस्ट्रक्ट किया है। तो ऑब्वियसली देखो लॉजिक क्या है, ये सब सारा प्रॉपर्टीज है।
नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड में आपको नहीं मिलेगा। तो साइंटिस्ट को क्या करना पड़ा, साइंटिस्ट ने ये सब प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट किया आर्टिफिशियली। तो ये PBR-322, PBR-320, PUC-19, PAC-YC-177, ये सब क्या है, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, बी आर स्टैंड फॉर साइंटिस्ट जिनका नाम है बॉलीवर एंड रॉड्रिगस, ओके, जिन्होंने ये प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट किया। वैसे एक प्लाज्मिड का नाम है यहाँ पे देखो PAC-YC, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, ACY चैंग करके एक साइंटिस्ट है, ही हैज कंस्ट्रक्टेड दिस प्लाज्मिड। ओके, वैसे एक है PUC, ओके, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, यूसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जहां पे वो कंस्ट्रक्ट हुआ। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मिड है वो यूज होते हैं बैक्टीरिया में एज अ क्लोनिंग वेक्टर, मतलब जो फॉरेन जीन कैरी करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, रेप्लीकेट करेंगे। ओके, और आपके सिलेबस में एक प्लांट में भी जो प्लाज्मिड वेक्टर यूज होता है वो भी मेंशन किया है, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लांट में एक बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरियम है, ये सॉइल बैक्टीरियम का नाम देखो क्या है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ओके, नाम क्या है सॉइल बैक्टीरियम का, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो ये सॉइल बैक्टीरियम है, सॉइल के अंदर पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया प्लांट में एक डिसीज कॉज करता है, उसका नाम है क्राउन गॉल डिसीज। देखो यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाया है, ये जो दिख रहा है आपको ये है ट्यूमरस ग्रोथ। अभी ये ट्यूमरस ग्रोथ है वो किसके वजह से है, बिकॉज ऑफ एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमिफेशियन। तो ये डिसीज का नाम क्या है, क्राउन गॉल डिसीज, बराबर। तो इट इज मतलब ये क्राउन गॉल डिसीज कैसे आइडेंटिफाई करने का, दैट इज ओवर ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन द प्लांट। तो यहाँ पे देखो रेडिश के ऊपर ट्यूमर ग्रो हुआ है, ये किसके वजह से हुआ है, कौन से बैक्टेरियम के वजह से, दैट इज एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमिफेशियन। ओके, अभी ये एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमिफेशियन है उसके अंदर एक प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड का नाम देखो क्या है, TI प्लाज्मिड। TI स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग, मतलब जो ट्यूमर को इंड्यूस करेगा, ट्यूमर मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ बेसिकली। ओके, तो ये ट्यूमर को इंड्यूस करेगा। ओके, तो ये TI प्लाज्मिड के अंदर देखो क्या करते हैं साइंटिस्ट, ये TI प्लाज्मिड को पहले रिमूव करेंगे। ओके, उसको रिमूव करने के बाद द TI प्लाज्मिड इज रिमूव फ्रॉम द बैक्टेरियम एंड TDNA, उसके अंदर ये TDNA आपको दिख रहा है, ये TDNA को कट करेंगे, किससे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद उसके अंदर फॉरेन DNA डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ये जीन फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट जीन है, ये हम लोगों ने ट्रांसफर किया, कहाँ पे ट्रांसफर किया, TI प्लाज्मिड के अंदर। तो आपको ये क्या मिला, रिकॉम्बिनेंट DNA मिला। नाउ ये रिकॉम्बिनेंट DNA हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बैक्टीरियल सेल्स में डालेंगे, कौन सा बैक्टीरियम, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ओके, कहाँ पे डालेंगे, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। अभी यहाँ पे देखो ये TI प्लाज्मिड है ना, ओके, तो उसके अंदर का जो TDNA, तो ये TDNA क्या करेगा, ये खुद का जो कॉपीज है वो क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट करेगा। द प्लाज्मिड इज री इंसर्टेड इन टू द बैक्टेरियम, मतलब यहाँ पे देखो TI प्लाज्मिड फिर से बैक्टेरियम के अंदर डाला। अभी ये बैक्टेरियम है वो क्या करेगा, ये TDNA ना ये क्रोमोसोम के अंदर क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। ओके, तो ये प्लांट सेल को हम लोग क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। ये प्लांट सेल को जब इन्फेक्ट करेंगे तो ये जो TI प्लाज्मिड है या फिर TDNA है ये क्रोमोसोम में जाके बैठ जाएगा, मतलब ये टी प्लाज्मिड गया क्रोमोसोम के अंदर, मतलब जो जीन डाला है ना वो भी जाएगा कि नहीं। देखो क्या लिखा है, द बैक्टीरियम इज यूज टू इंसर्ट द TDNA कैरिंग द फॉरेन जीन इन टू द सेल ऑफ इन टू द क्रोमोसोम ऑफ द प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल के क्रोमोसोम के अंदर ये क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और बाद में ये सेल को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर। ओके, और आपको क्या मिलेगा, ये प्लांट मिलेगा, ये जो प्लांट के अंदर क्या रहेगा, ये फॉरेन जीन है वो एक्सप्रेस होगा। तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये DNA है मतलब फॉरेन DNA है ये प्लांट में डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TDNA। तो ऐसे ये TI प्लाज्मिड यूज होता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट। ओके, तो ये हुआ हम क्लोनिंग वेक्टर्स इन बैक्टीरिया एंड प्लांट। ओके, तो आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज एज अ क्लोनिंग वेक्टर।
ठीक है। तो ऐसे आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ वन मोर इंटरेस्टिंग क्लोनिंग वेक्टर। ओके, थैंक यू।